हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार सोनी और आप मुझे देख रहे हैं सीमेज के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन नहीं दबाया है तो कृपया उसे दबा दें। ओके, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को जिक्र करेंगे उसका नाम है फ्रेंड क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार पहले रिकैप कर लेते हैं कि फ्रेंड फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या था, ताकि फ्रेंड क्लास को समझने में हमें आसानी हो। फ्रेंड फंक्शन, ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम या पैकेज डिफाइन करते हैं, ओके, तो इस प्रोग्राम के अंदर, C++ के प्रोग्राम के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। ये एक क्लास है। इस क्लास के अंदर तीन सेक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है पब्लिक। मान लेते हैं कि अगर प्राइवेट में कोई डेटा ए है, प्रोटेक्टेड में कोई डेटा बी है और पब्लिक में कोई डेटा सी है। इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या पैकेज के अंदर एक फंक्शन है, मैं फंक्शन बना रहा हूं, दिस इज द फंक्शन, ओके, और इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इस क्लास, मान लेते हैं कि इस क्लास का नाम टेस्ट है, सपोज इस क्लास का नाम टेस्ट है और इस टेस्ट का मैं एक ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर, अगर मैं टी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं C++ में, ठीक है, तो इस टी ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं सिर्फ इसके पब्लिक डेटा को ही एक्सेस कर पाऊंगा। यानी कि अगर मैं टी में ए, टी डॉट ए करूं और इसको एक्सेस कर लूं तो ये नहीं होगा, टी डॉट बी करूं ये भी नहीं होगा और टी डॉट सी करूं ये भी नहीं होगा। ओके, यानी ये वाला स्टेटमेंट इनवैलिड है, ये वाला स्टेटमेंट इनवैलिड है, ये वैलिड हो गया। ऐसा इसलिए कि जब हम कोई प्रोग्राम में क्लास के बाहर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन में अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से हम सिर्फ उस क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर पाते हैं, ओके। लेकिन C++ कहता है कि अगर इस फंक्शन को मैं क्या बना दूं, इस क्लास का फ्रेंड बना दूं, फ्रेंड, यानी ये जो फंक्शन है ये फ्रेंड हो गया ऑफ दिस क्लास, ओके। तो जैसे ही ये फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड होगा, ठीक है, इस फंक्शन को ये कैपेबिलिटी मिलती है कि वो अपने पैरामीटर के जरिए, ठीक है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर सकता है, ओके। दूसरा, कि साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट के जरिए वो इस पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों तरह के डेटा को एक्सेस कर सकता है। मींस अगर ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है इस क्लास का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो इसके पहले ये वाला लाइन जो इनवैलिड था, अब क्या हो गया, दिस इज वैलिड। यानी फ्रेंड फंक्शन बनने के साथ ही ये ए भी एक्सेस हो जाएगा, बी भी एक्सेस हो जाएगा और सी तो ऑलरेडी पब्लिक है, उसको तो एक्सेस होना ही है। सो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। यानी किसी फ्रेंड फंक्शन, अगर कोई क्लास का फ्रेंड है तो उसमें ये परमिशन मिल जाता है कि भाई तुम मेरे ऑब्जेक्ट को यूज करोगे और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट के द्वारा
तुम मेरे प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकते हो। द सेम थिंग रिलेटेड विद द फ्रेंड क्लास। ठीक है, अगर मैं एक क्लास बना रहा हूं उसके अलावा मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूं तो मैं एक क्लास का दूसरे क्लास का फ्रेंड बना सकता हूं। ओके, इसका मतलब यह भी हम समझें कि अगर एक क्लास किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड है तो उस क्लास के अंदर हम जितने भी मेथड्स डिफाइन करेंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे, वो सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली फ्रेंड फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। ओके, लेट्स सी। मान लेते हैं कि सपोज दिस इज योर क्लास ए एंड दिस हैविंग डेटा लाइक इन प्राइवेट दिस इज एम, इन प्रोटेक्टेड दिस हैविंग डेटा एंड इन पब्लिक पी। ओके, एंड दिस इज द अनदर क्लास इन द सेम प्रोग्राम और पैकेज। ओके, ये एक सेम प्रोग्राम या पैकेज है जिसके अंदर मैं ये दोनों चीज बना रहा हूं। ओके, तो अब बी, व्हाट इज बी हियर? बी इज अ फ्रेंड ऑफ ये फ्रेंड क्लास है। इट इज अ फ्रेंड क्लास किसका? ए का। यानी बी जो है, ठीक है, ये फ्रेंड क्लास बन रहा है ए का। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके किसी भी फंक्शंस में, ठीक है, जो भी इसके अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे उस फंक्शंस में ये कैपेबिलिटी हो जाएगी कि वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यूज करेगा। ठीक है, पैरामीटर में वो इस क्लास के, क्लास ए का ऑब्जेक्ट यूज करेगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के जरिए वो इस पर्टिकुलर क्लास ए का प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों डेटा को एक्सेस कर पाएगा। अब इस पर्टिकुलर बी क्लास के अंदर चाहे आप एक फंक्शन बनाए या आप एक से ज्यादा फंक्शन बनाए, सारे फंक्शंस में ये कैपेबिलिटी आ जाती है। ये चीज फ्रेंड फंक्शन के साथ नहीं था, जिस फंक्शन को हम फ्रेंड बनाते थे सिर्फ उसी फंक्शंस में हम उसके ऑब्जेक्ट से उसके प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। दैट इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ द फ्रेंड क्लास। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक द फ्रेंड क्लास प्रोग्रामेबल। तो इसके लिए मैं एक C++ का एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और उससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले तो जो आप पैकेज लेते हैं iOS स्ट्रीम वगैरह वो लिख लेंगे आप, लाइक मैं लिख भी देता हूं एस इंक्लूड iOS स्ट्रीम। आप लेते हैं स्ट्रीम यूज कीजिएगा जिसमें सी आउट सी इन आपका डिफाइन है। उसके बाद आप लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये वो आपका नेम स्पेस है जहां पे आपका सी आउट सी इन डिफाइन है। उसके बाद आप एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास ए। ओके, और मैं यहां पे इसके प्राइवेट सेक्शन में एक डेटा डिक्लेयर कर दे रहा हूं इंट एम। ओके, इसके प्रोटेक्टेड सेक्शन में मैं एक डेटा डिक्लेयर कर दे रहा हूं इंट एन, और इसके पब्लिक सेक्शन में मैं एक डेटा डिक्लेयर कर दे रहा हूं इंट एम एन पी, और मैं इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दे रहा हूं। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं तीनों डेटा को एक इनिशियलाइजेशन दे रहा हूं। एम में मैं 1 दे रहा हूं, एन में जो कि प्रोटेक्टेड डेटा है इसमें 2 दे रहा हूं, और पी जो कि पब्लिक डेटा है इसमें क्या दे रहा हूं? 3। ठीक है, ओके। अब मैं आगे क्लास बी बनाने वाला हूं, ठीक है, जो इसका फ्रेंड होगा। तो मुझे यहां प्रोटोटाइपिंग करके लिखना पड़ता है, ठीक है, इस क्लास को क्लोज करने से पहले
मुझे लिखना होगा फ्रेंड क्लास बी, ओके फ्रेंड क्लास बी। उसके बाद मैं इस क्लास को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, क्लियर। बट फ्रेंड क्लास बी, जैसे ही मैं क्लास बी लिखूंगा, कंपाइलर इस लाइन को समझने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि जो बी क्लास है, हाँ कुछ एडिटर में ये हो सकता है कि कुछ एडिटर में जो मैं बोल रहा हूं उसके लिखे बिना भी वो फॉलो अप कर सकता है क्योंकि वो एडिटर पैकेज को बाय डिफॉल्ट फॉलो अप करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। कुछ एडिटर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर टर्बो वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बेसिकली इस तरह का एरर आ सकता है कि इस क्लास को वो, चूंकि ये क्लास इस क्लास के बंद होने के बाद डिफाइन होना है, इसलिए वो उसको कंपाइलर जो है फॉलो अप नहीं कर पाएगा। तो इसकी प्रोटोटाइपिंग इस क्लास के पहले ही हमको करनी पड़ती है, लाइक दैट कि क्लास बी हम आगे बनाने वाले हैं। इसके बाद जब हम क्लास बी बनाएंगे यहां पे, ठीक है, और इसके अंदर हम कोई पब्लिक सेक्शन में मान लेते हैं कि एक मेथड बनाए, दो मेथड बनाए, व्हाटएवर जो भी आप बनाना चाहते हैं, और इस वॉइड शो करते हैं, और इसमें हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट एक टी ले लेते हैं, और इसके जरिए जब मैं सी आउट करूंगा, ठीक है, टी डॉट एम तो भी एक्सेस होगा, मैं सी आउट करूंगा टी डॉट एन तो भी एक्सेस होगा, और मैं सी आउट करूंगा टी डॉट पी तो भी एक्सेस होगा। अब मैं इस क्लास को यहां पे क्लोज कर रहा हूं। लेट्स कम टू मेल। अब मैं फाइनली मेल लिख रहा हूं, ओके। अब मेल में मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं ए का एक ऑब्जेक्ट एक्स बना रहा हूं। तो जैसे मैंने ए का ऑब्जेक्ट एक्स बनाया, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ और उसने क्लास ए के डेटा को इनिशियलाइज कर दिया, लाइक एम इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, पी इज इक्वल टू थ्री। एम जो कि प्राइवेट डेटा है, एन जो कि प्रोटेक्टेड डेटा है, और पी जो कि पब्लिक डेटा है, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि मैं क्लास बी का भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वाई, और इस वाई से मैं इन्वोक कर रहा हूं सो मेथड को, और इसके पैरामीटर में मैं भेज दे रहा हूं किसको, एक्स। अब ये जो एक्स है ये एज अ पैरामीटर पास कर गया टी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ओके, यहां पे टी के साथ पास कर गया, और चूंकि ये बी जो है फ्रेंड है ए का, तो इसके ऑब्जेक्ट के जरिए वो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहां पे सी आउट टी डॉट एम किए हैं, तो यहां वन प्रिंट हो जाएगा, सी आउट टी डॉट एम किए हैं, यहां टू प्रिंट हो जाएगा, और सी आउट टी डॉट पी किए हैं तो यहां थ्री प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्रेंड क्लास बनाते हैं और उसके अंदर कोई भी मेथड लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मेथड फ्रेंड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, उसमें हम पैरामीटर भेज सकते हैं और उसके जरिए पर्टिकुलर क्लास के प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आज आपको जो मैंने प्रोग्राम के थ्रू जो समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ओके। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, C++ के किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।